सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लर्निंग। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं फीसर के बारे में डिस्कस करेंगे। फीसर क्या होता है, फीसर के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, फीसर के क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होंगे, ठीक है, क्या कारण होता है, अगर किसी व्यक्ति को फीसर होता है तो फीसर होने का क्या कारण होता है और इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, क्या क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में को पूरा देखिएगा। इससे पहले आप मेरे मेडिकल लर्निंग चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन की जानकारी को मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग जानने वाले हैं फीसर क्या होता है, व्हाट इज फीसर, फीसर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो फीसर जो होता है वो फीसर एक मेडिकल कंडीशन होता है। क्या होता है, फीसर एक मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे दरार या फिर चीरे बन जाते हैं। फीसर क्या होता है, एक मेडिकल कंडीशन होता है जो क्या होता है, शरीर के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में, जरूरी नहीं कि एक ही हिस्सा हो, अलग अलग हिस्सों में भी फीसर हो सकता है। वहाँ क्या हो जाते हैं, दरार हो जाते हैं या फिर चीरे टाइप का हो जाता है। आमतौर पर ये कहाँ होते हैं, त्वचा पे हो सकते हैं, म्यूकोसा या फिर शरीर के अन्य सेंसिटिव हिस्सों में भी हो सकता है। कहाँ कहाँ हो सकता है, किसी भी बॉडी कहीं भी हो सकता है, यानी स्किन में हो सकता है, म्यूकोसा या फिर शरीर के जो सेंसिटिव एरिया होते हैं वहाँ भी हो सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या होते हैं, तो इस स्थिति में उसे व्यक्ति के को मल त्यागने या फिर अन्य कार्य करने में होती दर्द और जलन का सामना करना पड़ सकता है। किस कंडीशन में, यदि और वो क्या करे, मल त्यागे तो, ठीक है, अगर समय से इसका उपचार ना किया जाए तो गंभीर समस्या भी हो सकती है। अगर इसका ट्रीटमेंट अगर समय से नहीं किया जाता है तो क्या हो जाता है, ये समस्या भी गंभीर हो सकती है। चलिए इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फीसर के टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ फीसर, फीसर के प्रकार, तो फीसर जो होता है वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो वो चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनल फीसर। एनल फीसर क्या होते हैं, एनल फीसर जो हमारे एनल एरिया में हो जाते हैं उसे एनल फीसर कहते हैं, ठीक है, मल द्वार में होने वाले फीसर को एनल फीसर कहते हैं। सेकेंड है ओरल फीसर। ओरल फीसर क्या है, ओरल फीसर मतलब क्या होगा, जैसे कि मुंह में हो गया, मुंह के अंदर हो गया, जीभ पे हो गया, ठीक है, फिर तालू में हो गया, तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं, उसे ओरल फीसर कहते हैं। नेक्स्ट जो होता है स्कल्प फीसर। स्कल्प फीसर किसे कहते हैं, स्कल्प फीसर यानी हमारे क्या हो जाते हैं, स्कल्प एरिया में हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है प्लांटर फीसर, ठीक है, प्लांटर फीसर भी देखने को मिलते थे। ये क्या हो गए, ये फीसर के टाइप हो जाते हैं। फीसर के टाइप के बारे में डीपली डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए फीसर के लक्षण क्या होते हैं, अगर किसी को फीसर होता है तो उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। शुरुआती लक्षण में जैसे कि एनल एरिया, मल द्वार में क्या हो जाता है, खुजली या फिर जलन जैसी समस्या होती है, ठीक है, क्या होगा, खुजली और जलन जैसी समस्या यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट होता है एनल एरिया के आसपास दर्द या डिस्कम्फर्ट जैसी समस्या भी होती है। नेक्स्ट होता है मल जो होता है, मल द्वार में दरार या फिर चीरे हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दरार हो जाएंगे या फिर चीरे हो जाएंगे। फीसर का प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं, इसका लक्षण जो होता है वो तीव्र दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, जो आमतौर पर कब होगा, जब आप मल त्यागने के दौरान या फिर उसके बाद अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, मल त्यागने के दौरान या फिर मल त्यागने के बाद भी यह दर्द आपको हो सकता है। और अन्य समान लक्षणों में जैसे कि मल त्याग करते समय खून आना, खुजली या फिर गुदा क्षेत्र जो होते हैं उसमें चुभन या फिर जलन जैसी आदि समस्याएं शामिल होते हैं, ये इसके शुरुआती लक्षण होते हैं। नेक्स्ट चलिए इसके होने का क्या कारण होता है, फीसर होने का क्या कारण होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फीसर होने का जो मुख्य कारण होता है वो आप नीचे देख सकते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है कब्ज, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, यानी किसी का पेट क्या है, कंटिन्यू कब्ज हो रहा है, तो कब्ज होने के कारण क्या होता है, जो हमारा स्टूल टाइट होने के कारण हमारे एनल एरिया पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने के कारण वहाँ की जो होती है स्किन वो उसमें चीरे हो जाते हैं, इसमें चीरे फिर दरार हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, फीसर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो होता है अगर किसी को लूज मोशन होता है तो लूज मोशन के कारण भी होता है,
चलिए, भारी वजन का उठा रहे हैं, हेवी वेट लिफ्टिंग, यानी कि कोई कर रहा है हेवी वेट लिफ्टिंग कर रहा है, तो हेवी वेट लिफ्टिंग करने के कारण भी क्या होता है, डायरेक्ट हमारे एनल एरिया पे प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण भी होता है, लंबे समय तक कहीं आप बैठे हैं तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। चलिए, ये इसके कारण होते हैं। नेक्स्ट जो होता है, अगर गर्भावस्था में है तो गर्भावस्था के दौरान जो होता है, गर्भावस्था के पेल्विक रीजन की जो ब्लड वेसल्स पे अगर दबाव पड़ती है तो उस कंडीशन में होता है, यानी कहने का मतलब ये प्रेगनेंसी में भी फिसर हो सकता है। नेक्स्ट होता है मोटापा, यानी क्या मोटापा, यानी अधिक वजन होने के कारण गुदा क्षेत्र पर अधिक दबाव पड़ता है। ठीक, कोई व्यक्ति मोटा है तो मोटा होने के कारण वहाँ क्या होते हैं, उसके मल द्वार भी ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण उसको भी हो सकता है। नेक्स्ट इसका क्या कारण होता है, अगर आप कम फाइबर वाला आहार लेते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, यह हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं क्या, ठीक है, तो इसके लिए उपचार क्या रहेगा, उपचार में सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को रोकने वाली आप मेडिसिन ले सकते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है, फाइबर युक्त आहार ले, फाइबर युक्त आहार जैसे कि मोटे दाने वाले अनाज ले सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है, फीसर एरिया पे क्या कर सकते हैं, आप पेन रिलीफ जेल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फीसर एरिया पे अगर यहाँ पे फीसर हो जाता है, ठीक है, स्किन पे कहीं भी, तो आप वहाँ पे पेन रिलीफ जेल यूज़ करते हैं, जैसे कि एनोवेट ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं और स्मूथ जेल भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये एंटी हेमोरॉइडल मेडिसिन होते हैं जो कि आपको फीसर में भी काम आते हैं। तो इसी प्रकार के मेडिकल और मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेडिकल लर्निंग यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।